नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, टेलीकॉम सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया मार्च तिमाही में अपने घाटे को कम करने में सफल रही है। हालांकि इसके साथ ही कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी धीमा हुआ है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस मार्च तिमाही में कम होकर 6,419 करोड़ रुपये हो गया है, जो एक साल पहले इसी सेम तिमाही में 6,560 करोड़ रुपये था। वहीं दिसंबर क्वार्टर में इसका लॉस 7,990 करोड़ रुपये था। इसी बीच कंपनी का रेवेन्यू मार्च तिमाही में सिर्फ 3% बढ़ा और ये 10,532 करोड़ रुपये रहा। हालांकि दोस्तों, अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो वोडाफोन आइडिया का लॉस बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का लॉस इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में 29,301 करोड़ रुपये रहा, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 28,245 करोड़ रुपये था। हालांकि दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि मार्च तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया के 4G ग्राहकों की संख्या में हमें बढ़त देखने को मिला है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के कस्टमर पहले 12.16 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर 12.26 करोड़ हो गए हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें मार्च तिमाही में थोड़ा सुधार देखने को मिला। दोस्तों, कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका एबिटा बढ़कर 4,210 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी सेम तिमाही में 4,180 करोड़ रुपये था। दोस्तों, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी मार्च तिमाही में थोड़ा बेहतर होकर 40% पर पहुंच गया, जो इससे पहले 39.4% था। दोस्तों, देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का ये खबर पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसका इम्पैक्ट इसके शेयर पर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।